बहुत ही खूबसूरत है कौसानी का चाय बागान। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। देवभूमि उत्तराखंड में फिर से आपका स्वागत है। हम अभी है कौसानी में। पिछले वीडियो में आपने देखा कि हमने अपना स्टे का एक्सपीरियंस शेयर किया कौसानी का, और आज हम निकल पड़े हैं कौसानी एज ए प्लेस को एक्सप्लोर करने के लिए। जी हाँ, आज हम एक्सप्लोर करेंगे कुछ जाने माने प्लेसेस को। शायद आपको पता रहेगा या नहीं रहेगा, मुझे नहीं पता, क्योंकि ये ऑफ बीट और छोटा सा हिल स्टेशन है। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं अगर आपको इन प्लेसेस की जानकारी है। तो हम अभी आगे की ओर बढ़ रहे हैं टुवर्ड्स कौसानी। चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा। हम अभी पहुंच गए हैं गांधी आश्रम। जी हाँ, ये है अनाशक्ति आश्रम कौसानी का। अनाशक्ति आश्रम उत्तराखंड राज्य के एक खूबसूरत छोटे से हिल स्टेशन कौसानी में स्थित है, जो मुख्यतः हिमालय दर्शन के लिए जाना जाता है। 1929 में महात्मा गांधी के चरण कुमाऊं यात्रा के दौरान यहाँ पड़े थे। इस दौरान वह यहाँ की शांति और प्राकृतिक सुंदरता के इतने मुरीद हो गए थे कि 2 दिनों के प्रवास की योजना को टालकर वह यहाँ 14 दिन ठहर गए। आप देख सकते हैं महात्मा गांधी जी के 3 अनमोल रत्न भी यहाँ पर है। बापू का कौसानी प्रेम किसी से छुपा नहीं रहा। कहते हैं कि जब भी उनका स्वास्थ्य खराब होता था, उनके कदम कौसानी की तरफ बढ़ चलते थे। पहली बार वह यहाँ 1929 में आए थे। वह यहाँ डाक बंगले में ठहरते थे। डाक बंगला एक अतिथि गृह था जो एक चाय बागान के मालिक की थी। उन्हीं की प्रार्थना पर वह यहाँ 2 दिन ठहरने को राजी हुए। यहाँ ठहरने के दौरान पहली सुबह जब गांधी जी योग करने के लिए अतिथि गृह से बाहर आए तो उन्हें हिमालय के दर्शन हुए और वो मंत्रमुग्ध रह गए। बापू की यादों से जुड़ा यहाँ पर संग्रहालय भी है। इस आश्रम में गांधी जी के जीवन से जुड़े यादें, चीजें, किताबों और तस्वीरों का संग्रह है। यहाँ की शांति गांधी जी को इतनी रास आ गई कि वह यहाँ पर 14 दिन ठहर गए। इसी दौरान बापूजी ने एक किताब लिखनी शुरू की, जिसे उन्होंने महज 14 दिनों में ही पूरी कर दी थी। इस किताब को बापू ने नाम दिया अनाशक्ति योग। इस किताब में गांधी जी गीता के श्लोकों का हिंदी अनुवाद किया। गांधी जी इस जगह से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड भी कह डाला। 22 दिनों की अपनी इस यात्रा में गांधी जी ने कुमाऊं के 26 जगहों पर भाषण दिया, मगर अधिकांश समय कौसानी में ही गुजारा। इस यात्रा के बाद कौसानी का डाक बंगला बापू की यादों का संग्रहालय बन गया। कुमाऊं के स्वतंत्र सेनानी यहां आकर प्रेरणा और शक्ति लेते हैं। आज भी यह जगह बापू के होने का एहसास कराता है। इस नज़ारे को देख के अभी समझ में आया कि बापूजी को यहीं पर इतना शांत क्यों लगा, क्योंकि ये वातावरण है ही इतना शांत और साथ में नज़ारे भी काफी खूबसूरत है। लोकसभा चुनाव है 19 तारीख को उत्तराखंड में, इस वजह से यहाँ पे पुलिस चेकिंग हो रही है। हमारी गाड़ी को भी रोका है। अभी ये जाएंगे पीछे बैक चेक करने के लिए। पीछे गए हैं, बैक चेक करेंगे। अभी इलेक्शन है ना, तो चारों तरफ चेकिंग हो रही है। चाय बागान कौसानी हिल स्टेशन चाय के बागान के लिए भी फेमस है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौसानी की चाय की मांग है। जैसे ही आप कौसानी से थोड़ा आगे बढ़ेंगे, आपको टी गार्डन दिखेगा, जहां से पैदल ऊपर जाने पर आप पहुंच जाएंगे चाय के खेतों के बीच। ये चाय के बागान चीड़ के पेड़ों के बीच बेहद सुंदर दिखते हैं। इन्हें देखने के बाद अब असम के बागान भी भूल जाएंगे।
हिमालय के बीच स्थित उत्तराखंड के सुरभि शहर कौसानी में चाय प्रेमियों के लिए एक स्वर्ग है कौसानी चाय बागान। अपने मनमोहक दृश्य, शांत वातावरण और भारत की कुछ बेहतरीन जैविक रूढ़िवादी चाय के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध ये संपत्ति एक अनूठा अनुभव प्रदान करती है जो सिर्फ एक कप चाय से भी परे है। दक्षिण भारत के विशाल चाय बागानों के विपरीत कौसानी एक अलग आकर्षण का दावा करता है। समुद्र तल से 1800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह संपत्ति 208 हेक्टेयर के विशाल क्षेत्र में फैली हुई है जो 21 डिवीजन में विभाजित है। कल्पना कीजिए कि हरी भरी चाय की झड़ियां ढलानों से नीचे गिर रही है, ठंडी पहाड़ हवा चूम रही है और सुनहरी हिमालय धूप में नहा रही है। ताजा तोड़ी गई चाय की पत्तियां की सूक्ष्म सुगंध से हवा कांपती है जो एक संवेदी आनंद का वादा करती है। बहुत ही खूबसूरत है कौसानी का चाय बागान, देख सकते हैं पहाड़ों के बीचों बीच सुंदर सा छोटा सा चाय बागान बना हुआ है कौसानी में। नमस्कार, मैं अभी हूँ कौसानी में टी गार्डन में। अभी हम इधर टी गार्डन घूम के आए ऊपर से। यहाँ पे अंकल जॉब करते हैं टी गार्डन में। तो कौसानी में यहाँ पे टी गार्डन में क्या क्या है, क्या क्या बेनिफिट है टी गार्डन का, वो सारी चीज़ आपको बताएंगे। भारत का कोई भी कोना से जब आप इधर आ रहे हैं कौसानी तो इधर आ सकते हैं। तो सबसे पहले जब हम फैक्ट्री में जब पत्ता टूटता है, इसका पत्ता टूटता है, इतना टूटता है, ढाई पत्ता टूटता है, वन बट टू लीफ ये इसके टूटेगा। इसके बाद इसमें क्या होता है, जब फैक्ट्री जाता है उसके बाद इसको वो किया जाता है, आपका इसका मॉइस्चर आउट किया जाता है, वो बिदर फैन होता है, बिदर किया जाता है। इसमें क्या होता है, 100% मॉइस्चर होता है, तो हम इसका क्या करते हैं, 60% मॉइस्चर आउट करते हैं। तो जब 40% मॉइस्चर रहता है उसके बाद इसको हम 40% उसमें फिर इस प्रोडक्शन में जाता है। इसका क्या होता है, रोल होता है, आधे घंटे का रोल होता है, रोल में गया, रोल होने के बाद आधे घंटे रोल होता है, उसके बाद इसको फर्मेंटेशन में आता है, शिफ्टर होता है, शिफ्टर में इसके जो डेले होते हैं डेले तोड़े जाते हैं, उसके बाद जो फर्मेंटेशन में आता है, इसको फर्मेंटेशन किया, उसके बाद ये आता है हमारा ड्रायर, ड्रायर में आता है, ड्रायर में इसको पूरा ड्राई किया जाता है, जो उसमें अंदर ड्रायर मशीन है तो उसमें जाएगा ये पूरा, उसमें ड्राई होगा आधा घंटा, उसके अंदर ड्राई होकर बाहर निकलेगा। बाहर निकलने के बाद फिर ये हमारा सॉर्टिंग में जाता है। फिर इसकी जो है अलग अलग ग्रेड बनती है, जैसे फुल लीफ है, हाफ लीफ है और मिल्क क्वालिटी है, तो ऐसे इसका बनता जाता है। और फिर क्या है, आपका चाय दो होता है, एक CTC होता है, एक ऑर्थोडॉक्स होता है। तो हमारे यहाँ क्या बनता है, ऑर्थोडॉक्स, ये ऑर्थोडॉक्स बनता है लिप ग्रेड में। और इसके बेनिफिट क्या होता है अंकल, इसके स्वास्थ्य के लिए जैसे BP है वो है, उसके लिए जो है मिश्रण वो पता है, और इसमें मिलावट कुछ नहीं होता है, जो भी इसका फ्लेवर या लीकर जो भी निकलेगा वो निकलेगा एकदम फ्रेश निकलेगा। गार्डन एक ही होता है, पौधा एक ही होता है, पेड़ एक ही है, बनाने का अलग अलग वो है, अलग अलग है। जैसे आप आसाम है, दार्जिलिंग है, इनमें क्या है, अमूमन ज़्यादा वो बनती है आपकी CTC लिप ग्रेड में कब आती है। यहाँ जो हमारा उत्तराखंड में है सारा लिप ग्रेड आता है, सारा लिप ग्रेड में मिलेगा। ये टी गार्डन का नाम क्या है? ये कौसानी टी गार्डन उत्तराखंड में। और भी अब चारों तरफ फैला हुआ है टी गार्डन, अब कहीं भी जाए चारों तरफ फैला हुआ होता है। तो टी गार्डन के बाद हम आ गए इस ऑर्गेनिक टी प्रोडक्ट शॉप में, यहाँ पे थोड़ा सा चाय पत्ती लेने का ट्राई करते हैं। यहाँ विदाउट मिल्क ज्यादा चलता है ना, क्योंकि लीफ टी बनता है पत्ता वाला चाय, विदाउट मिल्क हाँ, ब्लैक टी लाल चाय पीने के लिए या ग्रीन टी, इसी गार्डन में होता है क्या? दूध वाले में क्या होता है कि कलर कम आता है थोड़ा। अच्छा अच्छा, वो चीज बाकी सारी पत्ते वाली बनती है, उसमें जो हाफ लीफ रहती है ये थोड़ा आपका उसमें यूज हो जाती है, विद मिल्क थोड़ा कलर डार्क हो जाता है इसमें, नेचुरली फ्लेवर और स्ट्रॉन्ग रहता है, बाकी विदाउट मिल्क रहता है। ये फर्स्ट फ्लश रहती है सीजन की, पहली जब पत्ती टूटती है ना, क्योंकि अक्टूबर के बाद प्रोसेसिंग बंद हो जाती है, अप्रैल में जो पहली लीफ खुलती है
उसमें फ्लेवर सबसे अच्छा आता है, कलर सबसे लाइट रहेगा, उसके बाद ये बारिश के बाद आती है, इसमें फ्लेवर भी कलर भी दोनों स्ट्रांग होगा। ये भी लाल चाय के लिए होता है, ब्लैक टी पीने के लिए। बाकी ये ग्रीन टी है, ये भी ग्रीन टी है, इस टाइप का वीडियो को मैं करती हूँ यहीं पे एंड। हमने यहाँ से चाय पत्ती ले ली, बहुत ही अच्छा लगा कौसानी में ये सारे प्लेसेस को एक्सप्लोर करके। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि हमारी जर्नी कंटिन्यू रहेगी।